वेलकम टू प्रो टिप्स, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। सुनील कुमार जैन कोलकाता से हमारे साथ हैं। सुनील जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है और कैसा चल रहा है दुर्गा पूजा का माहौल, क्या है बताइए थोड़ा सा। पूजा का माहौल तो बहुत बढ़िया है, बहुत भीड़ है, पब्लिक पूरा जम के घूम रही है पंडाल। अच्छा, तो आप लोग देर रात तक पंडाल में जाते रहते देखने के लिए? अब मेरा एज हो गया, पहले तो हम भी जाते थे, लेकिन सारी रात घूमते हैं लोग यहाँ पर। अरे वाह, बढ़िया बढ़िया पकवान संदेश है ना? हाँ जी, सब कुछ चलता है इस समय, ये इनका साल का सबसे बड़ा त्योहार है, तो सभी इंजॉय करते हैं, कोई बात नहीं है उसमें। अरे वाह, चलिए माता रानी कृपा बनी रहे सब पे। अब माता रानी की कृपा, सवाल क्या है आपका? अच्छा, मेरे पास 2000 शेयर आती इंडस्ट्रीज के हैं 925 रुपए के दाम पर। अच्छा, मैं करीब 1.5 साल से इसको ले रहा हूँ धीरे धीरे, थोड़ा ऊपर में लिया था इसलिए कॉस्टिंग थोड़ा हाई है। Okay. मेरे को दो बात पूछना था, एक तो इसका अगले 2-3 महीने के लिए क्या पोजीशन है, और ये जो डिमर्जर अनाउंस हुआ है इसमें आती इंडस्ट्रीज और आती फार्मा लैब का, उससे प्राइस टारगेट क्या बन के आता है? ओके, तो ये जो डिमर्जर वाला है इसमें तो थोड़ी और क्लैरिटी आएगी सर, तब पता चल पाएगा कि प्राइस क्या बनेगा, लेकिन चूंकि ऊपर से स्टॉक करेक्ट हुआ है काफी इसलिए थोड़ा सा अट्रैक्टिव हुआ है, लेकिन ये सब कुछ चार्ट पे कैसा दिख रहा है ये हम जानते हैं सर्वेंद्र। सर्वेंद्र जी, आरती इंडस्ट्रीज इन्होंने 2000 शेयर इकट्ठा कर लिए हैं, 952 की इनकी प्राइसिंग है, तो और अभी काफी नीचे है उससे, तो क्या बने रहना चाहिए? एक तो खबर का तड़का है वो अलग है, लेकिन चार्ट क्या संदेश दे रहा है? देखिए एवरेज कर रहे हैं और अभी तक इनका एवरेज प्राइस नहीं आया, विच मींस ऊपर का क्वांटिटी इनका ज्यादा है, इन्होंने ऊपर के भाव से जहां से लिया उसमें इनकी क्वांटिटी ज्यादा है, क्योंकि अगर अभी यहां पे एवरेज कर रहे हैं और इनका वीवा बेसिस पे स्टॉक का प्राइस इनका एवरेज नहीं गिर रहा है, तो आई थिंक एवरेजिंग ये प्रॉपर नहीं कर रहे हैं। पहली चीज तो इस रुझान से ये निकल के आती है, और दूसरी बात ये कि भाई जब चार्ट एडजस्ट हो जाएगा कॉर्पोरेट एक्शन से तब चार्ट हम देखेंगे, बट एज ऑफ नाउ, एज ऑफ टुडे, विदाउट नोइंग कि क्या आने वाला है और कैसे होगा, वो एक ग्रे एरिया रहेगा, मैं रिस्क लेता हूं और वो रिस्क लेके मैं चार्ट पे कमेंट करने की कोशिश करता हूं कि देखिए करंट रुझान तो यही लग रहा है कि जो भी आने वाला है वो बाजार को पसंद नहीं है, जो भी आने वाला है बाजार को पसंद नहीं है, नहीं तो स्टॉक अगर कुछ आता है तो 920 वाला अगर 740 हो गया है तो बिना किसी कारण के नहीं हुआ है। तो देखिए यहाँ पे प्रेशर्स हैं नो डाउट, बट अब ये है कि ये भी मैं मानूंगा कि अब स्टॉक अपने ऑलमोस्ट 6-12 महीने के लोस के आसपास कहीं ट्रेड हो रहा है, तो अब आपको इसको टाइम थोड़ा देना पड़ेगा, आपका यहाँ पे नजरिया और रुझान थोड़ा लंबा है, तो मुझे इशू लग नहीं रहा है कि आप अगर उसमें खड़े रहेंगे तो, क्योंकि आपका लॉन्ग टर्म डिलीवरी का ध्यान है, तो मेरे हिसाब से अब आपको यहाँ पे एक तो रिव्यू पॉइंट ये रखना चाहिए कि स्टॉक अब 694 के नीचे ज्यादा जाए नहीं, तो 694 के ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से, सॉरी सिक्स आपके लिए तो ट्रेलिंग नहीं रहेगा, 694 के स्टॉप लॉस से आप ट्रेड में बने रहें, उसके नीचे अगर बंद आता है तो डेफिनेटली इसको रिव्यू करें, और थोड़ी क्वांटिटी फिर जो लेटेस्ट अभी ली होगी ना अपने आसपास जो नीचे के लेवल्स में वो क्वांटिटी आप हल्की कर दें, ऊपर का ट्रेड आप खड़ा रह सकते हैं, बट जो आपने नीचे एवरेजिंग की है उसमें ज्यादा लॉस ना करें आप।